जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ विपक्षी दलों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। नमस्कार, मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, लालू यादव के घर में छापेमारी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी कविता से पूछताछ के बाद विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ एकजुट नजर आ रही। वैसे तो विपक्षी पार्टियां हमेशा से ही सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती आई हैं, लेकिन हाल ही में विपक्ष नेताओं पर लगातार सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के बाद अब विपक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट नजर आ रही। दरअसल 14 विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस मामले को चीफ जस्टिस के सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा। वहीं 5 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी। विपक्षी पार्टियों ने दावा किया है कि विरोधी पार्टियों के नेताओं को झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार कराया जा रहा है। विपक्ष की ओर से सिंघवी ने कहा कि इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी और बेल पर कोर्ट दिशा निर्देश तय करेगी। बीते कुछ समय से सीबीआई और ईडी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, जिस पर खूब हायतौबा भी मची। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार उन आरोपों पर कार्रवाई कर रही है जो आपराधिक मामले है भी नहीं। ऐसे में इन राजनीतिक दलों के इंसाफ की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इनमें कई प्रमुख विपक्षी पार्टियां भी शामिल हैं। इन पार्टियों का आरोप है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग कर रही। गौर करने वाली बात यह भी है कि इन 14 पार्टियों में देश की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी शामिल है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।